हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्वा एडवेंचर पे। और आज की वीडियो का इंट्रो देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो एक रेस्क्यू की वीडियो होने वाली है। तो आज हम रिलीज़ करने वाले हैं एक इंडियन फ्लैपशेल टर्टल को। तो इस टर्टल का साइंटिफिक नाम लिस्मिस पंक्टाटा है और कॉमन नेम में हम इसे इंडियन फ्लैपशेल टर्टल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे सुंदरी कहा जाता है और ये बहुत ही कॉमन टर्टल है जो हमें इंडिया में मिल जाती है। और बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं होगा कि ये टर्टल बिल्कुल इलीगल है। आप इसे ना पकड़ सकते हैं, ना रख सकते हैं और ना खा सकते हैं। इन टर्टल्स को ज़्यादातर खाने के लिए या फिर पालने के लिए पकड़ा जाता है। बहुत से लोगों के घरों में एक्वेरियम्स में ये टर्टल्स होती हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि इन्हें रखना गैरकानूनी है। और जो लोग इन्हें खाते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि इन टर्टल्स की मीट में मर्क्यूरी कंटेमिनेशन का बहुत खतरा रहता है और इन्हें खाना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। मेडिसिनल वैल्यू में भी इनका मीट बिल्कुल ज़ीरो है, इनमें कोई भी मेडिकल गुण नहीं होते हैं। वैसे ही राइनोसरस के जो सींग होते हैं या हाथी के दांत होते हैं, इनमें कोई भी मेडिसिनल गुण नहीं होते हैं। सो प्लीज़ इन चक्कर में ना पड़े। तो ये टर्टल कुछ बच्चे बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो जब मेरे बड़े भाई ने देखा कि ये बच्चे एक टर्टल के साथ हैं तो उन्होंने इनसे पूछा, उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की। तो मेरे बड़े भाई ने जो पैसे उन्होंने कहा उसे दे दिया और इसे लेकर घर आ गए। और घर लाने के बाद मैंने इसके लिए एक छोटा सा इंक्लोजर बनाया। तो बेसिकली कछुओं को रखने के लिए आपको पानी तो देना ही होगा और उनकी बास्किंग के लिए एक एरिया होना चाहिए जहाँ वो अपने शेल को सुखा सके। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनमें रॉट हो सकता है। बट ये कछुआ तो हम रख नहीं सकते और ये जो इंक्लोजर है टेम्प्ररी है, 1 से 2 दिनों के लिए। और इस बीच हमने इसमें कोई भी पैरासाइट या चोट को देख लिया और अगर हो सकता तो हम इसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं, बट ये काफ़ी हेल्दी है। तो अब हम इस टर्टल को इसके रिलीज़ करने वाले स्पॉट पर ले चलते हैं। और टेम्प्ररी इसे ले जाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, एक छोटा सा बॉक्स है, क्योंकि बड़ा स्पेस देने पे ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, बहुत हाथ पैर चलाते हैं। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम इसे इस छोटे से जगह में लेकर जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इससे जहां रिलीज़ करना उस स्पॉट पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक रिवर है और पानी काफ़ी साफ़ है और इसके लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। वैसे तो विंटर के टाइम में इनके हाइबरनेशन का टाइम होता है, बट हम इन्हें कहीं सूखी जगह पर नहीं छोड़ सकते। तो अभी सुबह का समय है, अभी दिन भर धूप रहेगी, तो मैं अभी के लिए इसे पानी में छोड़ देता हूँ और ये फिर अपने आप कोई ना कोई रास्ता देखकर वापस ज़मीन पर आके अपने लिए कोई बरो बनाकर उसमें भी हाइबरनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।